ले लो जाओ। क्या होगा सर अगर सदस्यता जाती है, क्या उम्मीद लगा रहे हैं? अच्छा बताइए, अगर मगर से राजनीति होती है, अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, अरे अगर मगर कुछ नहीं होगा। गीता सार में क्या लिखा है कि जो संभावना है सर, राजनीति संभावना है, तो संभावना बिल्कुल नेक नियति से काम हो रहा है, इसलिए कहीं पर कोई भी परमात्मा हमारे साथ है। कोई विकल्प है सर अगर ऐसी हो गई? कोई विकल्प पर बाद में बात होगा, अभी तो सारी चीज नॉर्मल। आज बुलाया गया है सर, क्यों, क्या वजह आज बुलाया तमाम? अरे भाई बुलाया, भाई माननीय मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के हम सारे लोग उन मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, सरकार बहुमत की है, तो समय समय पर मुख्यमंत्री जी बुलाते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। नहीं तो टाइमिंग पर सवाल उठेगा ना, अभी यूपीए की बैठक थी अभी कुछ दिन। अरे भाई तो क्या दिक्कत हो रही है, यूपीए की बैठक का कोई टाइम फ्रेम होता है क्या, इतने दिन में होना चाहिए ऐसा कुछ है? अरे अगर मगर कुछ नहीं, ऑल इज वेल। कहीं जो लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, उनके सपने चकनाचूर हो जाएंगे। कांग्रेस का 18 विधायक जीवन के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपनी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी के हर दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन करेंगे। क्या कांग्रेस हर फैसले में मुख्यमंत्री के साथ है? बिल्कुल, जो हमको पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का दिशा निर्देश है, उसका अनुपालन होगा। शुक्रिया। कि सरकार भाजपा गिराना चाहती है, पूरा नहीं होगा तो सरकार, तो आज का ये नया बात है कोई, तो इसको तो हम लोग अब समझ लिया कि हमेशा का सिलसिला है ये, और पूरे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ नहीं, यहाँ भी इनकी सरकार नहीं, निरंतर लगे रहते हैं इसमें, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। मंत्री जी एक बात बीजेपी की तरफ से लगातार कही जा रही है कि आरोप सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर है, लिहाजा मिड टर्म चुनाव ही विकल्प है। ये कहाँ के ये पंडित हैं, कहाँ के संविधान के ज्ञाता है, उनको आना चाहिए। और कौन सा आरोप है, क्या आरोप है, ये देखिए बता देते हैं कि इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे अस्थिर करें, कैसे इस राज्य में विकास नहीं होने दें, जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं होने दें। और जिस तरह का काम हमारी सरकार में हो रहा है 20 वर्ष तक, आज अगर चुनाव हो जाते हैं, चुनाव की बात कर रहे हैं, आज अगर चुनाव हो जाते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि दहाई का आंकड़ा पार नहीं करेंगे। और आने वाला 20 साल तक अब इन्हें झारखंड की सत्ता के लिए इंतजार करना होगा, जो इन अल्प समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो काम इस राज्य के लिए आज से 20 वर्ष पहले हो जाने चाहिए थे, आज जनता ने जब से हमें बहुमत दिया है, हमें सत्ता सौंपी है, इन 2-2.5 वर्षों में जो काम हुए हैं वो मील का पत्थर साबित होंगे। और अगर चुनाव भी हो जाता है तो हम 70 सीट का आंकड़ा पा रहे हैं। चुनाव के लिए तैयार हैं? कोई, हम बहुमत में हैं, और लोकतंत्र और हमारा संविधान किसी की बपौती नहीं है कि वो चुनाव करा दे, हम पूरी तरह से बहुमत में हैं। और 50 की बात करते हैं, अभी उनके लोग भी हैं, वो लोग भी आएंगे। अगर स्थितियां आपके अनुकूल नहीं आती है, अगर मुख्यमंत्री को लॉकडाउन करना पड़ता है, तो विकल्प क्या है? वो बहुत कुछ सकता है कि अभी हो सकता है कि भूकंप आ जाए, कुछ आ जाए, हम लोग सब यहाँ काल के काल में समझ जाए, ऐसी बात कहना, इस पर कोई अटकल लगाना कोई अभी उचित नहीं होगा। फैसला आना चाहिए, जो भी फैसला, चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी हुई है, अब चुनाव आयोग ने क्या निर्णय लिया है, उसकी कॉपी प्रति कहाँ है, सारी जानकारियाँ मिलेगी, उसके बाद हम पचास हैं और आगे हम 56 होंगे। राज्यपाल से क्या उम्मीद? हो गया।